हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की रिक्रूटमेंट जो आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, ये आ रही है RRB, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। ये जो वैकेंसी है इसमें साइट इंजीनियर से लेके सभी एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। अगर बात कर लेते हैं जो आप बंदों की जॉब नहीं लग रही है उनके बारे में, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया होता है, जॉब लगने का जो क्राइटेरिया होता है, वो 70-80% डिपेंड रहता है आपकी वोकेबलरी एज वेल एज आपके रिज्यूम फॉर्मेट पे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपका सभी का रिज्यूम फॉर्मेट बना दिया है, आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहां जाके इजीली देख सकते हैं। अब ये जो रिक्रूटमेंट आई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये आई है राइट्स की तरफ से। राइट्स की फुल फॉर्म क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। दोस्तों रेलवे के अंडर ही ये जो आती है। राइट्स के अंदर अगर वैकेंसीज का पोर्टल देखेंगे, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है। किस किस के लिए? इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। उसको बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी के बारे में दे देता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको अनअकैडमी के बारे में दे देता हूँ। शायद मेरे जितने भी नोन में हैं या फिर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी या कहीं भी, मैं आपको इतने श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने अनअकैडमी का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। इवन बहुत बंदों ने अपना फ्यूचर या फिर अपने पहले पास्ट में 12th, 10th या फिर आपने इंजीनियरिंग में कुछ भी किया होगा, अनअकैडमी के थ्रू किया ही होगा। दोस्तों अनअकैडमी जो है अब कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में, किस किस ब्रांच में? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अपना जो है आप सबको जॉब दिलाने की श्योरिटी रखती है। वो क्या दे रही है दोस्तों? वो एक कैरियर असिस्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है जो कि है 8th of January को शाम को 4 बजे। दोस्तों इन सभी के जो लिंक है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें क्या होने वाला है, कैसे आप इसमें असिस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, ये जो है आपको 20 question MCQ जो आप इंटरव्यू में के बेस पे, जैसे इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सारे क्वेश्चन की बताया जाएगा। इसके साथ साथ ये किस किस के लिए है? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। दोस्तों अनअकैडमी की जितनी भी पार्टनर कंपनीज है, कौन कौन सी पार्टनर कंपनीज है उनके बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनके स्कोर अच्छा आता है दोस्तों, अनअकैडमी उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। दोस्तों मैंने पहले अभी भी बताया है कि आपको ये 8th January को होने वाला है शाम को 4 बजे, तो इसको जरूर देखिएगा। अब ये पार्टनर कंपनीज कौन कौन सी है दोस्तों? पार्टनर कंपनी जैसे कि आपको जाना ही होगा जिंदल साउथ वेस्ट या फिर ओला इलेक्ट्रिक या फिर ये सिंपनी, इनका किसने नाम नहीं सुना? ऐसी 140+ कंपनीज हैं। और कितनी वैकेंसी अभी ओपन है? 2000 से लेके 4000 तक की वैकेंसी ओपन है। दोस्तों अभी जो है, अभी यहाँ से जो आप नज़र आ रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे, जो मैंने अभी आपको बोला, और ये सारी स्कॉलरशिप के थ्रू भी मिल सकता है। आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी डायरेक्ट विद इन अ 7 डे के अंडर, जैसे ही आप इसका कैरियर टेस्ट असिस्ट इसका ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। आपको मैं बता दूं कि 60+ लर्नर्स, अभी ये 60+ लर्नर का डाटा जब का है? जब 1st January। अभी तो डेली बाई डेली बहुत बंदे बढ़ने लग रहे हैं, 100-200। और ये कहां कहां गए हैं देखिए, कोई नॉन आईटी वाला भी था या फिर आईटी वाले भी थे, सबका सिलेक्शन होने लग रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो आप देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस कैरियर असिस्ट में भाग लेके जल्दी से जल्दी जॉब लगवा लीजिए। एक चीज और है, बात आई इनकी लिंक की, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाइए वहां लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए और टेस्ट को सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो है आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू कब होने वाला है जी? इसकी डेट ऑफ क्लोजिंग है 11/1 को और इसकी लास्ट डेट है 17 को ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। क्या नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने बहुत सारे वैकेंसी निकाली है जो राइट्स की तरफ से आई है। रेजिडेंट इंजीनियर सिविल, रेजिडेंट इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर सेफ्टी, असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर
ट्रैक असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर स्काडा। इसके साथ साथ आप देखेंगे असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर इंस्पेक्शन टेलीकॉम, असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर इंस्पेक्शन टेलीकॉम कम्युनिकेशन, असिस्टेंट रेजिडेंस इंजीनियर ट्रैक डिटेक्शन, साइट इंजीनियर्स अर्थवर्क ट्रैक कोऑर्डिनेशन, साइट इंजीनियर ओएचई सेफ्टी, साइट इंजीनियर इंस्पेक्शन। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो मैं आपको बता दूं डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही यहां एलिजिबल है। दोस्तों रेजिडेंट इंजीनियर सिविल के लिए एक वैकेंसी है, बड़ौदा में पोस्टिंग रहने वाली है और बैचलर डिग्री सिविल चाहिए इसमें और 12 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए बट मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेजिडेंट इंजीनियर सिविल में आपको क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सब मांगा है और 6 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों और भी है, असिस्टेंट रेजिडेंस इंजीनियर एक वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में पोस्टिंग रहने वाली है और बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगी है और 6 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकल के आ रही है, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए और क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड और क्या चाहिए, 3 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर ट्रैक में मांगा है, 4 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 2 वैकेंसी रहने, 2 पोस्टिंग रहने वाली है, वडोदरा में एक, वापी में एक, वापी कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसमें भी डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एलिजिबल है, डिग्री वालों के लिए 3 ईयर्स और डिप्लोमा वालों के लिए 6 ईयर्स का क्राइटेरिया मांगा है। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर के लिए, इसमें एक पोस्टिंग रहने वाली है बड़ौदा के लिए और बैचलर डिग्री मांगी है, डिप्लोमा और बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा मांगा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है डिग्री होल्डर के लिए, 6 ईयर्स का मांगा है डिप्लोमा वालों के लिए। असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर इंस्पेक्शन टेलीकॉम, इसमें क्या क्या मांगा है, बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ जो आपने CSIT से कर रखा हो आपके पास 3 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर्स का डिग्री वालों के लिए और 6 ईयर्स का डिप्लोमा वालों के लिए। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर के लिए भी क्राइटेरिया सेम ही रखा है इन्होंने, असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर के लिए भी क्राइटेरिया सेम ही रखा है। अगर बात कर लेते हैं साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर की न्यू वैकेंसी है, इसमें फुल टाइम आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 वैकेंसी है, आपकी पोस्टिंग अहमदाबाद में या फिर बड़ौदा में रहने वाली है। अगर और भी चीज़ें देख लेते हैं जो इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, दोस्तों ऐसी ही एक्सपीरियंस ओएचई मतलब सेफ्टी वालों के लिए है इलेक्ट्रिकल से, और इसमें भी 2 डिग्री डिप्लोमा दोनों चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो आपका रेलवे प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ साइट इंजीनियर इंस्पेक्शन ट्रेनिंग, ये सभी एलिजिबल है और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए जो आप यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने बोला है कि आपका जो है एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है 1/1/2023 तक जो भी इन्होंने मांगा है वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर और भी बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है और किस बिहाफ पे, दोस्तों आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपका 10% चलेगा लेकिन इंटरव्यू 90% के मतलब जो भी आप इंटरव्यू में कर पाएंगे उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपका एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया 10% माना जाएगा, आपका एक्सपीरियंस कम भी है तब भी आप जा सकते हैं अगर आपके घर के आसपास है तो। अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी जो है आपकी मिनिमम 10 लाख रुपये पर जो है मिनिमम 1 लाख रुपये पर मंथ रहने वाली है ये इन्होंने बोला है, और पे स्केल ये रहेगा, पे स्केल रहेगा 40,000 से लेके 1,40,000 तक और ऐसी 80,000 से लेके 2,20,000 तक, ये पूरा CTC आपकी रहेगी। और ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे आप ज़रूर एक बार देखें। और इसकी लास्ट डेट और क्या है, कहाँ इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों शिखर प्लॉट नंबर में, हरियाणा में ये इंटरव्यू होने वाला है गुड़गांव में, जिसको आप जाके ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं और जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है, सबसे पहले तो इसकी ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है 2/1 को हुआ है मतलब 2 जनवरी को, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 11 जनवरी को, 4-5 दिन ही है, और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 17/1 को होगा मतलब 17 जनवरी को। तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ अटेंड कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो करेंगे उसका मैं जो हूँ आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये इनका नोटिफिकेशन है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सारे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी ब्रांच और पास आउट ये लिख के बिना मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।